नमस्कार, खबर नाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्षिता। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। विकास खंड हरपालपुर की ग्राम पंचायत महादैन कला के लगभग 2 दर्जन कार्ड धारकों के कोटेदार द्वारा राशन वितरण में धांधली तथा मारपीट का आरोप लगाते हुए तहसील में प्रदर्शन करते हुए शिकायत की है। महादायन कला व माजरा धांधेड़ा निवासी राम बख्श सिंह, लाला राम, मुंगा राम, राम नरेश, सुधीर, भानु प्रताप, देवेंद्र, महेश, उमेश, पेशकार, सुनील सहित लगभग 2 दर्जन राशन उपभोक्ताओं ने तहसील में प्रदर्शन कर कोटेदार सतीश चंद्र यादव के खिलाफ अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कोटेदार निर्धारित मात्रा से कम राशन सरकारी मूल्य से अधिक पैसे लेकर वितरित करता है। उनका आरोप है कि कोटेदार उपभोक्ताओं को गाली गलौज कर भगा देता है। अंत्योदय कार्ड का राशन लेने के मुझे मारा सतीश, धर्मिंदर और रोहित ने। अब आप लोग क्या करियो, राशन ना मिलो? राशन नहीं मिलेगा तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे यहाँ के सतीश चंद्र यादव जो कोटेदार हैं, राशन तो देते नहीं, और जब अगर शिकायत करने जाओ डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, उसका सूची से नाम ही काट दिया जाता है। वो मारा मारा घूम रहा है। हमने शिकायत 6 तारीख को की, पिछले 6 तारीख को एसडीएम के यहाँ, तहसील दिवस के यहाँ उसकी विधिवत कार्रवाई हुई, उसमें जांच हुई। उसमें क्या हुआ कि कोटेदार को आरोप पत्र जारी किया गया, मगर प्रार्थना पत्र धारक को कुछ भी नहीं दिया गया। और इंस्पेक्टर साहब से बराबर संपर्क करते हैं, वो आजकल करके टरका रहे हैं। हम लोगों को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोग मजबूर हैं, भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर हैं। ठीक, अगर कोटेदार नहीं बतला जाता है तो हम लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। धार्मिक व भक्ति एल्बम जय महाकाल का विमोचन प्रेक्षागृह में मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण शास्त्री ने कहते हुए कहा कि ये जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिले के नवोदित कलाकारों के प्रयास से जिले के धार्मिक स्थलों व विशेषकर जिले के शिव मंदिरों को शूट कर भगवान शंकर के भजनों को फिल्मा कर गाया गया है। उन्होंने इसके लिए जिले के युवा निर्देशक व निर्माता प्रदीप पाल व उनके सहयोगी सहित उभरते कलाकारों को बधाई दी। आकाशवाणी के संवाददाता वरिष्ठ समाज सेवी अरुणेश बाजपेयी अतुल कपूर ने कलाकारों को बधाई दी और कहा कि जिले का ये पहला एल्बम है जो हमारे जनपद के शिव मंदिरों पर फिल्माया गया है। लोगों ने काम किया है ये जरा बताएं। ये हमारे हरदोई जनपद के शंकर जी की आधारित एल्बम है। ये तेजस फिल्म्स एंड क्रिएशन बैनर तले जो एल्बम बनाया गया है, जो कि इससे पहले भी हमारा हरदोई जनपद नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बना चुका है। और इसमें विशेष रूप से जो सहयोग रहा है हमारे पियानिस्ट से श्री अतुल कपूर जी, प्रियंक दीक्षित जी, रामलखन जी, और ये इसकी शूटिंग हरदोई की लगभग सभी शिवालयों में, जैसे सुनासीर मंदिर, आपके शिव संकटन मंदिर सकाहा, धुरिया घाट, कुल्लाहा घाट इत्यादि, पिहानी में गायत्री परिवार गायत्री मंदिर में भी इसकी शूटिंग हुई। और लगभग हरदोई के 30 से 40 लोगों ने इसमें काम किया। और जिन आपको दिखेगा इस एल्बम में कि हमारे हरदोई में कितना होगा। आज तक मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, ऑडिशन भी दिए हैं और आज तक ये भोले बाबा का जो एल्बम है उसमें आज तक इतनी अच्छी एल्बम नहीं की है और इसमें सबसे अच्छा बहुत खुशी हुई है। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।